हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। वेलकम टू DSS। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप HTML में किन्हीं भी टेक्स्ट के बीच में या फिर किसी भी पैराग्राफ में किसी भी वर्ड के बीच में आप विदाउट लाइन ब्रेक स्पेसिंग कैसे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप इधर देख पा रहे होंगे, हमने कुछ पहले से ही कोडिंग करके कुछ टेक्स्ट दे के एक सिंपल सा वेब पेज बनाया है। तो आज हम बात करेंगे गाइस कि किस तरह से आप इनके बीच में स्पेस दे सकते हैं। जैसे कैंडिडेट है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है, आप इनके बीच में ज़्यादा स्पेस दें, या फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे किस तरह से आप किसी भी कैरेक्टर के बीच में, जैसे कैंडिडेट है, उसमें आप किस तरह से स्पेस दे सकते हैं। क्योंकि गाइस, चलिए हम इसके कोडिंग पे आ जाते हैं जो कि आपके टेक्स्ट यूज हुए हैं। तो फ्रेंड्स, नेम ऑफ कैंडिडेट है, आप यहाँ पे ज़्यादा स्पेस अगर करना चाहें तो आपको यहाँ पे करना होगा एंड साइन एंड NBSP। ये करते ही आपके इधर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। फ्रेंड्स, रिफ्रेश करते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे ये थोड़ी सी इधर मूव हुआ है। इसे अच्छे समझने के लिए गाइस, हम कैंडी एंड डेट को अलग करेंगे स्पेस से। तो हम इधर सोर्स कोड पे जाएंगे एंड यहाँ पे कैंडिडेट है जो आपका NBSP एंड ये है, आप इसे कट करिए एंड जहाँ पे भी आप स्पेस चाहते हो वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। आप ये जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं गाइस। एंड एक बात ये है कि इसमें आपको कोई भी स्पेस अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके ये साथ में एंड NBSP लिखा है तो ये अपने आप स्पेस काउंट होता है। तो फ्रेंड्स, हम इसे सेव कर देंगे एंड अब हम जाएंगे अपने वेब पेज पे। रिफ्रेश करते हैं गाइस, तो आप ये देख पा रहे होंगे कैंडी डेट ये अलग हो गया है, यहाँ पे स्पेस आ गया है। तो उम्मीद है गाइस कि मैं आपको समझा पाऊँगा किस तरह से आप किन्हीं भी टेक्स्ट या फिर HTML में, HTML कोडिंग में स्पेस विदाउट लाइन ब्रेकिंग कैसे देते हैं।